हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू राहुल जी। संजय लीला मंसाली की नई फिल्म रामलीला का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है जी। उस ट्रेलर को देख के आपको संजय लीला मंसाली फिल्मों में क्या विशेषता लगती है, क्या स्पेशलिटी आपको लगती है रामलीला की? देखिए, इनकी एक स्पेशलिटी है किसी भी चीज़ को बड़े भव्य तरीके से पेश करना जी। इनकी जो भी फिल्में आई हैं जी, और ये ट्रेलर देख के मुझे लगता है कि इसमें भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सेट वाइज, पिक्चराइजेशन वाइज जी। और स्टोरी तो इनकी होती ही होती है, लेकिन अकेली स्टोरी जब उसके हिसाब से मैच नहीं करते ना सेट वगैरह, तो वो दराम से गिर जाती है जी। लेकिन ये जरूर करते हैं, इनकी ये खासियत है संजय लीला बंसाली की। मैं मानता हूँ चाहे टाइम कितना लगे फिल्म बनाने में, ये चाहे 2 साल लगाएं, साल लगाएं, लेकिन ये उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं जी। सेट से तो कभी नहीं करते। वेशभूषा भी इनकी उसी के हिसाब से होती है, कॉस्ट्यूम्स वगैरह। और गुजरात, ये राजस्थान इनका शायद फेवरेट है, उसमें ये ज्यादा बनाते हैं, ये भी उसी बैकग्राउंड की कहानी मुझे लग रही है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की अडेप्टेशन है जी। वो पुराने टाइम में थी। कई बार रोमियो जूलियट के अडेप्टेशन हिंदी फिल्मों वालों ने भी कोशिश की है, कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं भी हुए जी। लेकिन संजय लीला बंसाली जब करते हैं, देखिए उन्होंने देवदास को कोई मान सकता था 3-4 बार बन चुकी है इतनी सैड स्टोरी, और आज के साल 21वीं सदी में उसको हिट बना देंगे जी। तो वो उनकी ट्रीटमेंट ही थी, कहानी सबको पता था, देवदास है, पारो है, चंद्रमुखी है जी, और उनमें क्या क्या हुआ सबको पता है। लेकिन उन्होंने उसको इस लेवल पे उठाया कि लोग बहुत चक्के रह गए, देखते रह गए, तो यही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इनकी खूबी है। मैं ये खूबी मानता हूँ कि उस चीज़ को ये बहुत ऊंचे लेवल पे उठा देते हैं कि दर्शक बहुत चक्का होकर आके फाड़े देखता ही रह जाता है। सबको पता है रोमियो जूलियट की क्या कहानी है, लेकिन उस कहानी को पेश कैसे किया जाए, ये इनकी अपनी कला है, ये इनकी महारत है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेलर देख के मुझे लगता है कि इन्होंने इसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब की बार ट्रेलर से शायद कुछ ये आया कि कुछ ज़्यादा, मतलब एक तरह से एग्रेसिव कह सकते हैं हम दीपिका पादुकोण को, मतलब इन्होंने भी अपना जो एक फैमिली जोनरा था उससे थोड़े आगे थोड़ा बड़े हैं, क्योंकि आज के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से काफी बदलाव है। बदलाव जरूरी भी है कि देखिए, क्या आप कहानी बना रहे हो जो पहले कई बार ट्राई कर चुके हैं, तो उसको आपने कुछ और ऊपर उठाना है, तब तक नहीं हो गए। शोले मार क्यों खाई? शोले कहानी को खराब नहीं थी किसी टाइम, कभी भी खराब नहीं, लेकिन जो पहले आ चुका उससे उन्होंने कम किया, राम गोपाल वर्मा ने, तो उसी रोमियो जूलियट को आपने और बढ़ा के करना है। आज के संदर्भ के हिसाब से जब सब कुछ होंगे, सेट होंगे, कहानी होगी, कैरेक्टराइजेशन होगा, और वो विजुअल्स जो लोग देखना चाहते हैं, अभी तक जो नहीं देखे हैं, तो वो पसंद करेंगे। और ये जरूरी भी है, वक्त की डिमांड है, और संजय लीला बंसाली को मुझे लगता है वक्त की पल्स का पता है, और वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। जो उनको इस बार की जनवरी उन्होंने अलग चूज की है, शायद इसमें एक्शन ज्यादा है, और एक्शन के हिसाब से उन्होंने जो भी फैसला लिया वो सही लिया है। आमतौर पर ये दिखाया जाता कि जो संजय लीला बंसाली की फिल्में हैं वो फैमिली फिल्में हैं, उसमें हीरोइन जो है किस वगैरह नहीं होता, मगर अब की बार शायद जो है उन्होंने जिस हिसाब से फिल्में चलती आ रही हैं, जो ऑडियंस की तरह से इमेज बनी है या ये बनाई इस तरह की फिल्में पसंद की जा रही है, शायद इस बार उन्होंने उस अपील को शायद बिंदास अपील जो हीरो हीरोइन की जो है वो शायद इसमें डालने की कोशिश की है। देखिए, वो जरूर बदलाव जरूरी है, दुनिया बदलाव है, बदलाव आप होता रहता है, पल पल सेकंड दुनिया बदलती रहती है, तो आपको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। जब इस तरह का ट्रेंड चल चुका है, किसिंग अब नॉर्मल चीज होती जा रही है, और ये प्रेमी प्रेमिका में होती भी है, हम थोड़ा पर्दे पर भी ऑब्जेक्शनल बनाते हैं, ये हो गया मुंह बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जर्नल चीज है, उसको दिखाइए, तो जितना दिखेगा तो वो भी एक जर्नल सीन की तरह आ जाएगा। उन्होंने जो फैसला किया है, जो उनकी ट्रीटमेंट है, मैं मानता हूँ वक्त के हिसाब से उन्होंने सही फैसला लिया। अगर ऐसा नहीं लेते तो पिछड़ जाते। अगर ऐसी स्टोरी बनाओगे और आप अग्रेशन
और जो यूथ में आजकल चल रहे हैं वो रोमांस नहीं दिखाओगे, अब पेड़ों के पीछे खड़े गाने गवाओगे तो कौन देखेगा। जी जी, तो वो दिखाना जरूरी था। मतलब ये है कि यूथ जब तक उसको अपने से नहीं जोड़ेगा उस फिल्म के कैरेक्टर्स को देख के, तब तक शायद वो कारगर नहीं हो पाता। बिल्कुल है कि आप जाता कौन है थिएटर्स में देखने, पहले ये चीज देखिए ना, थिएटर्स में देखने वही जाते हैं, यूथ जाता है, और उनको क्या पसंद है उनका ध्यान रख के प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे तो फिर आप मार खा जाओगे जी। तो ये जरूरी है, ये पहली चीज है जो उन्होंने किया है जी। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप राहुल चौधरी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर हमें मैसेज करें। टिल देन, बाय।